आईजी संतोष कुमार सिंह एवं डीआईजी मनोज कुमार सिंह पहुंचे नीमच। पुलिस कंट्रोल रूम पर ली जिले के सभी थाना प्रभारी एवं पुलिस अधिकारियों की आवश्यक बैठक। बुधवार को आईजी संतोष कुमार सिंह एवं डीआईजी मनोज कुमार सिंह नीमच पहुंचे, जहां उन्होंने कंट्रोल रूम पर जिले के सभी थाना प्रभारी एवं पुलिस अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली। बैठक में उन्होंने अपराधों पर अंकुश लगाने, गंभीर अपराधों के त्वरित निराकरण तथा महिला अपराधों की समीक्षा कर अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आईजी संतोष कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज उनके द्वारा वार्षिक अपराध संबंधी जिला अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें अपराधों और निराकरण को लेकर समीक्षा की गई। गंभीर अपराधों का निराकरण कैसे किया जाए, उसमें सजा अवधि कितना प्रतिशत रही, इन सब की जानकारी, महिला अपराध पर समय समय पर और तत्परता से कार्रवाई हो, आपराधिक मामलों के प्रकरणों में अंकुश लगाने, महिलाओं के अपहरण के मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए रिकवरी दर 100% करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उन पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। वहीं कमल राणा को लेकर आईजी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाए। कमल राणा की गिरफ्तारी को लेकर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वार्षिक अपराध समीक्षा बैठक के लिए यहाँ मैं आया था और यहाँ अभी हमने कंट्रोल रूम में जिले के समस्त अधिकारियों से चर्चा की है। इसमें दो तीन चीज़ें जो इनको बताई गई हैं, जो मेरे द्वारा खासतौर से देखी गई, तो गंभीर अपराधों का निराकरण कैसे हुआ, उसमें सजायाबी का प्रतिशत क्या है, और इसके साथ साथ महिला अपराध, क्योंकि महिला अपराधों में जो समय पर उसके तो कार्रवाई हो जाए और तत्परता से कार्रवाई हो, तो उसको देखने में सामान्य रूप से जो पाया गया है कि अपराधों में बाय एंड लार्ज कुछ हेड्स में कमी है, कुछ प्रकरणों में वृद्धि है। इसमें महिलाओं के जो अपहरण के वो होते हैं अपराध, उसमें वृद्धि पाई गई है। उसका कोई ऐसा कारण नहीं है, अपराध होते हैं और रजिस्टर किए जा रहे हैं। रिकवरी का परसेंटेज या जो रिकवर हो रही है हमारी, खासतौर से यंग बच्चियाँ जो जा रही हैं उसको पुलिस द्वारा रिकवरी, वो भी संतुष्टिपूर्वक या संतोषजनक पाई गई है। उसमें मेरे स्तर से कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिससे कि इस तरह की जो हमारी रिकवरी है इनको निर्देशित किया गया, उसमें हमें प्रयास करके 100% जो हमारी बच्चियां गायब होती हैं जाती हैं उनको रिकवर करना चाहिए। मैंने इनको यही बताया है कि जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, उनको पहले तो चिन्हित कर लें, चिन्हित किया ही होगा, कुछ कार्रवाइयाँ हुई भी हैं जैसा आपने बताया, उन पर प्रभावी कार्रवाई किया जाए। जैसा आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने के निर्देश इसमें बड़े स्पष्ट हैं, इन पर प्रभावी और बिल्कुल जो उनकी कमर तोड़ने वाली जो कार्रवाई होती है वो वैधानिक कार्रवाई उन पर की जाए।